हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और क्राइम फ्री भारत पर एज यूजुअल अपलोड भी होगी। जी अच्छा, मैंने ये सोचा है कि जो प्रोग्राम अपन ने तय किया था उसे थोड़ा सा विलंबित करेंगे। हम पब्लिक से जो है फीडबैक ले रहे हैं कि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, ये निर्णय उन्हें लेने दिया जाए। यदि भारत चाहिए तो बताइए आप आर्थिक सहयोग देंगे, बताइए आप अपने घर में एक कमरा हमारे वॉलंटियर्स के लिए आरक्षित करेंगे, उसमें नीचे गद्दे बिछा देंगे, उन्हें सूखी दाल रोटी खिलाने के लिए आप तैयार हैं, आपके पास यदि साइकिल, मोटरसाइकिल, चार पहिए का वाहन, यदि और कुछ नहीं तो ट्रैक्टर ट्रॉली है, तो क्या वो हमारे वॉलंटियर्स के साथ उसको लेके जाएंगे और जगह जगह पर जो है यह प्रचार और संदेश आम जनता में पहुंचाने के लिए आप हमारे सहभागी बनेंगे क्या? और सबसे बड़ी बात, यदि आप डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए और सताए हुए हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, तो सदस्य शपथ ले लीजिए। और यदि आप निर्भीक, निडर हैं और अपने सिर पर ताज भी चाहते हैं, और वो भी प्रतियोगिता में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर, तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। और यदि चुनाव लड़ने की इच्छा है तो शुरू में ये बात बता दीजिए कि साहब हमारी चुनाव लड़ने की इच्छा है, और चुनाव लड़ने का एक ही तरीका है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। तो ज्यादा लोगों ने अभी चूंकि शपथ दी नहीं है, तो थोड़े से प्रयास से आपको मेरिट लिस्ट में आ ही जाना है, राइट? तो आपकी टिकट मिलने की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, और जिस तरीके से जन जन तक ये बात पहुंचने वाली है, चंद दिनों में जो है बहुत बड़ा जो है ना अंतर आने वाला है। तो मैं गोपाल प्रसाद जी आपसे चाहता हूं कि आप आरटीआई के एक्सपर्ट हैं, आपने आरटीआई के आधार पर जो भी जो है ना 2 या 3 मिनट का आप जो है 2 या 3 संदेश बना के प्रतिदिन मुझे भेजना है, जब तक कि मैं आपको ये जानकारी ना भेजूं कि आपको अब कहाँ जाना है और या हम लोगों को कहाँ जाना है। ठीक है ना? तो उसकी तैयारी में रहिए शॉर्ट नोटिस पे मूव करने का, क्योंकि जहां हमको लोग खबर करेंगे कि साहब हमने आपके लिए कमरा में जो है ना नीचे गद्दे डाल दिए हैं और हमने जो है सूखी दाल रोटी के लिए आपको व्यवस्था कर ली है और आपके लोकल मूवमेंट के लिए हम कोई ना कुछ साधन मुहैया करा देंगे, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो, तो हमारे वॉलंटियर्स वहां रन करना चालू कर रहे हैं। ठीक है ना जी? आपको इस रणनीति पे कुछ कहना है? नहीं, मैं वैसे तो पूरा पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन इसी चीज को मैं अगर अपने तरीके से कहना चाहूँ, शॉर्ट में, अगर इसको नटसेल में, तो वो ये है कि जिसके पास जो चीज स्पेयर है, किसी के पास श्रम स्पेयर है, किसी के पास चावल स्पेयर है, किसी के पास गेहूं स्पेयर है, किसी के पास सब्जी स्पेयर है, किसी के पास रूम स्पेयर है, तो जो स्पेयर है वो हमको डोनेट कर दे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अब चूंकि सारे लोगों के लिए जो है ये करना कि भाई हमको रूम का वॉलंटियर के लिए व्यवस्था करते, तो भारत में इतना लोग कितने कंजस्टेड में रहते हैं वो आप भी अवगत हैं और मैं भी अवगत हूँ। तो इसकी बजाय ये कहना कि आपके पास जो चीज स्पेयर है, अगर कोई चीज स्पेयर नहीं है तो आर्थिक ही जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही डोनेट कर दीजिए। अगर कोई किसान है तो उसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास अन्न है तो वो अन्न डोनेट कर सकता है, तो ऐसी भी व्यवस्था बन जाएगी। मेरा कहना है कि अन्न लेके फिर उसे खाने की व्यवस्था कौन करेगा? सर, जो तो एक मिनट, जिसके यहाँ रुकेंगे, देखिए ऐसा है जी, हम कहाँ कह रहे हैं, आप अपने जो है ना दालान में, बरामदे में, वहां पे ठहरने की व्यवस्था कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखिए, हमारी एनर्जी अपने सर्वाइवल के लिए खाना बनाने में जाएगी तो उतनी एनर्जी हमारी कम हो जाएगी ना। लेकिन यदि वो जो है ना सूखी रोटी 2 ककड़ी कर देंगे और हम उसी को जो है ना नमक या अचार से खा लेंगे, तो हमारा पेट भरना चाहिए, जिंदा रहने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही पर्याप्त है। हमें आपसे इकट्ठा करके फिर उसको जो है ना दाएं बाएं जो है ना उसको हम उपयोग करते रहे, फंसाते रहे, फिर ये करें, ये नहीं चलेगा। तो जिस किसी के पास जगह है भाई, गाँव में एकाध व्यक्ति के पास तो जगह हो ही जाएगी ना, जिसके पास कमरा है वो कमरा कर दे, नहीं बरामदा कर दे, दालान कर दे, जहां जो जिसका जो है, और कुछ नहीं तो यदि वॉलंटियर ज्यादा पहुंचते हैं तो आपस में बात करें, एक एक रोटी ये सब लोग अपने घर से पहुंचा देंगे तो जो है ना 10 वॉलंटियर्स भी होंगे तो भी उनका पेट भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? जी, तो जी। मेरे ख्याल से सब चीजें अपन बिल्कुल ना मांगे,
अपन तो ये कहें कि भैया यदि आप एक रोटी खा रहे हैं तो आधी रोटी आप खा लो, आधी रोटी हमारे वॉलंटियर को दे दो यार। हमें समृद्धि और उसको नहीं बांटना है, हमें जो है जो हालात हैं उसी हालात में हमारा मकसद, हमें आंख दिखना चाहिए कि क्या हम जन जन तक पहुंच सकते हैं। उससे ज्यादा हमें कमिटमेंट चाहिए कि डरे हुए सहमे हुए तो सदस्य की शपथ ले लो और अपने ही लोगों को जोड़ दो। यदि निडर और निर्भीक हो तो संगोष्ठियां करना चालू करो। जी अच्छा, भाई तो हम सर रात में बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी निकल रहा हूँ एक कार्यक्रम में, तो फिर रात में बात करते हैं। बाकी ठीक पूर्ण सहमति है हमारी आपकी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी और इसमें अब आपको मिनिमम 3 मैसेज मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना है पर डे, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, लोगों से अपील करते हुए, अपने लोगों से अपील करते हुए। और ठीक है, मैं आरटीआई, टेलीग्राम ज्वाइन करूंगा एक आपको। मिनट, बताओ आरटीआई एक्टिविस्ट के जो आप कह रहे थे आपके पास वॉलंटियर्स हैं, उनका जी, एक ग्रुप यदि नहीं बना है तो बना लीजिए, और यदि ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है तो उसमें मुझे जोड़ लीजिए। ठीक है सर, क्योंकि ओके। इससे क्या रहेगा कि आरटीआई एक्टिविस्ट को अपन अलग तरीके का काम देंगे, ठीक है है ना? सर, ओके। तो जिसकी जो क्षमता है उसको यूज करके यदि हम पहुंच जाएंगे तो ये दुष्ट लोग जो है करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे और हम गारंटी से इन्हें हरा देंगे। ठीक है सर, रात में बात करते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद।